राजधानी दिल्ली में कोरोना मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कल दिल्ली में कोरोना के 325 नए मामले सामने आए हैं। इसी वजह से कल दिल्ली सरकार ने स्कूल के नए गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर उस वीक को फौरन बंद कर दिया जाएगा। अब गाइडलाइंस के इसी पहलू पर स्कूल के बीच कन्फ्यूजन देखने को मिला। सवाल पूछे जाने लगे हैं कि कोरोना मामले आने पर क्या पूरा स्कूल ही बंद करवा दिया जाएगा। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि गाइडलाइंस में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि कोरोना मामला आने पर उस वीक को या फिर क्लासरूम को बंद कर दिया जाएगा। अगर स्कूल प्रशासन को लगता है कि कोई संक्रमित बच्चा पूरे विद्यालय में घूम रहा है तो कई चीजों के संपर्क में है, ऐसे में वे पूरे स्कूल को बंद करने का फैसला भी ले सकते हैं। पर अब क्योंकि कोविड है और हम सब बार बार कहते हैं कि पिछले 2 साल के बाद अब हम सबको कोविड के साथ जीना सीख के आगे बढ़ना है, तो कहीं कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। कुछ स्कूल से मैं लगातार नज़र रखे हुए हूँ, किसी भी स्कूल में कहीं एक भी केस आता है किसी टीचर या किसी एक बच्चे को, तो उस वक्त स्कूल भी हमको रिपोर्ट कर रहा है और हम भी स्कूल को जो भी दिशा निर्देश हैं इंडिविजुअली दे रहे हैं। मैंने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कहा है कि अभी 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, इस बीच में केसेस पे नज़र रखते हुए एक जनरल गाइडलाइन नए हिसाब से बना के स्कूल्स के लिए जारी करें, तो कल तक हम एक गाइडलाइन भी जारी। इसका मतलब यह है कि गाइडलाइंस में सिर्फ इस क्लासरूम या फिर वीक को बंद करने की बात कही है। वही अगर स्कूल प्रशासन चाहे तो स्थिति को देखते हुए पूरे विद्यालय को बंद करने का फैसला ले सकता है। वैसे स्कूलों में कोरोना संक्रमण की बात पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केवल 3-4 स्कूलों के बच्चों में संक्रमण की जानकारी मिली है। इसमें अधिकांश छात्र और शिक्षक स्कूल परिसर में संक्रमित नहीं पाए गए हैं, बल्कि उन्होंने स्कूल को संक्रमित होने की जानकारी दी है। अभी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।